मेरी गली में भी एक मंदिर है और वहाँ हिंदू भी रह रहा है पहले थे, अब एक है वो जाने को तैयार नहीं है, वो कहता है जितना मैं सेफ यहाँ पर हूँ मैं अपने भाइयों में जाके सेफ नहीं हूँ। बहुत प्यार से बहुत खुलूस से रहता है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर हम सब लोग मिल के रहते हैं। 33 साल हो गए इस गली में, मैंने ऐसा तो मैं 23 साल का हूँ, 3 साल से मतलब 3 साल का था जब से मंदिर की सेवा कर रहा हूँ, 23 साल का हो गया, आज तक कभी नहीं देखा। और बाकी जितने बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पे सब खड़े हैं, हमारे ताऊ जी सब सब बताते हैं कि 36 साल था आज तक कुछ नहीं हुआ। सब मिलजुल के होली दिवाली ईद गुरपुर्व क्रिसमस सब मिलजुल के मनाते हैं, बिजनेस एक है, घर एक है, साथ में रहते हैं, तो ये काम तो चल रहा है। और मुझे उम्मीद है इसमें बाहर के लोगों को अगर कंट्रोल किया जाए तो अंदर अल्लाह चाहे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सन 1993 से आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ था किसी भी टाइप में, ये पहली बार सन 93 के बाद ये थोड़ा सा आपस में झगड़ा, कितनी बार झगड़ा हुआ है वो समझ ऐसे आपस में सुलझा लेते हैं, लेकिन यहाँ के रहने वाले मुसलमान और हिंदू हमारे भाई कभी झगड़ा नहीं चाहते। इस लाल कुएँ प्राचीन बाज़ार के अंदर कम से कम 70% हमारे हिंदू भाइयों की दुकानें हैं जिनसे मुसलमान भाई व्यापार करते हैं, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। आप उन दुकानदारों से उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। All of us were very upset, you know, that communal tension was created. That's because of some minor tussles or fight or quarrel among two people. How this has flared up into communal tension, that is what we need to look at. Now, every religion speaks about love, Islam, Hinduism, Christianity, Sikhism, Jainism, Buddhism. So that is the core of every religion. I always say, in order to understand each other, we have to sit together. Sarva dharam sammelan mein baithkar baatchit karna bahut zaruri hai, ek dusron se seekhna bhi bahut zaruri hai. Then we will see the tension will go down. Zarur sochna padega, warna dekhiye jo aajkal pradhanmantri ka mission hai sabka vishwas, aise to milega nahi. वो भी कह रहे हैं हम अमन चाहते हैं तो हम भी कहेंगे अमन ही चाहेंगे, अमन चाहते हैं, अमन चाहते रहे सब, अमन ही चाहेंगे, क्यों किसी को फालतू में लड़ाई करे झगड़े का, क्या किसी को लड़ाई झगड़े आज तक क्या मिला, कुछ नहीं मिला। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये दो व्यक्तिगत बच्चों के बीच में लोगों के बीच में झगड़ा था जिसको एक कम्युनिटी का रूप दे दिया गया, तो एक तरीके से देखा जाए तो राई का पहाड़ बनाया गया फालतू में, कोई इसकी वजह नहीं थी। ऐसे झगड़े आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के बीच में इस तरह के तनाव चलते रहते हैं, तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की चीज़ है कि जिसकी वजह से ये बात आगे बढ़ेगी। लोकल लोगों के बीच में नहीं है, बाहर के लोग इसके अंदर बहुत अपनी तरफ से शिरकत कर रहे हैं, लोकल लोगों के बीच में कोई इस तरह की चीज़। पहली रिमर जो आई लिंचिंग की, हमने उसको क्लियर करा कि ये लिंचिंग नहीं है, ये सिर्फ डिस्प्यूट है जो कि एक स्कूटर को लेकर चली। बेसिकली ये दो अलग केस हैं जिस जो कंबाइन हो गए, स्कूटर का स्कूटर पार्किंग का केस अलग है और मंदिर के ऊपर स्टोन पथराव का केस अलग है। स्कूटर पार्किंग को नाम दे दिया गया लिंचिंग का और मंदिर के ऊपर पथराव को नाम दे दिया गया पथराव, जो कि किसी ग्रुप ने नहीं करा। बच्चे जो शरारती बच्चे होते हैं गलियों के, जो अक्सर रात में निकल जाते हैं रिक्शा वालों को परेशान करने, गली के कुत्तों को परेशान करने, या गली में कोई भी चौकीदार बैठा हुआ उसके ऊपर पत्थर मारने, ये उन्हीं बच्चों की शरारत थी जो कि सीसीटीवी कैमरे में भी कैप्चर हुई। कि यहाँ पर बहुत सारे मुख्तलिफ धर्मों के लोग, हिंदू, सक्सेना और अपने सिख, मुसलमान, क्रिश्चन, हर तरह के जैन, हर तरह के लोग मिलकर यहाँ पर सदियों से रहते चले आए हैं। और वो जो उसके अंदर रोज़मर्रा की जो कल्चर है, कल्चर वही है, चाहे वो खाने पीने का कल्चर हो, चाहे वो बोलचाल का कल्चर हो, चाहे वो रोज़मर्रा की बातचीत खेसी चिटोली का कल्चर हो, चाहे वो 15 अगस्त पर पतंग उड़ाने का कल्चर हो, चाहे वो मुहर्रम के दरमियान यहाँ पर हिंदू भी शिरकत करते हैं उसका कल्चर हो, चाहे रामलीला के दरमियान मुसलमान भी यहाँ पर आके अपनी तमाम खाने पीने में हर चीज़ में अपनी योगदान देते हैं उस चीज़ का कल्चर हो, तो वो गंगा जमनी तहजीब की जो हम बात करते हैं, जो रवायत की बात करते हैं, जो जीनत महल है, और बराबर में इसी जीनत महल के अंदर वो मंदिर भी है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अपने आप में एक मिश्रण को बताती हैं, एक मिलीजुली संस्कृति को बताती हैं। जो कुछ भी हुआ एक मामूली सा झगड़ा था और उसको ये आम बात है, ये ऐसा होता रहता है, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने उसको कोशिश की इसको एक राइट्स कराने की,
वो, लेकिन पुलिस की और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उन लोगों की वजह से ये टल गया। ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसे नहीं, अभी भी आप देखिए जाके नॉर्मल ही है, ज़्यादा इतना कुछ ऐसा है नहीं।